बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है, यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो आज तो चलो थोड़ी बहुत कम हो रही है, बहरहाल काफ़ी मौसम बना हुआ है बारिश का। तो जहाँ तक मुझे पता लगा है, कह रहे हैं कि 2 दिन और बारिश होगी, तो देखें अब कब, अल्लाह को जो मंजूर है कब तक बारिश होती है। फ्रेंड्स, मौसम बहुत ख़राब है, कभी बारिश हो जाती है कभी बंद हो जाती है। तो वैसे मैं घर पे छत पे था, मेरी आदत है मैं छत पे सुबह सुबह होता हूँ, तो छत से फिर नीचे आया हूँ। अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं बाहर को, चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं बारिश का कितना पानी हुआ है। अब तो अभी ज़रूरत तो नहीं थी बारिश की, बहरहाल अब हो गई, अल्लाह को जो मंजूर है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये लोगों की मुंजी हैं, इसमें पानी खड़ा हो गया है। अब ये फसल जो है, मुंजी जिसे कहते हैं, चावल जो होते हैं ना चावल, उसे मुंजी कहते हैं। तो अब ये लोगों की फसल ख़राब हो गई है, बहुत पानी खड़ा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर को, निकलें देखते हैं, चक्कर शक्कर लगाते हैं, घूमते फिरते हैं, आपको भी दिखाते हैं व्यू। फ्रेंड्स, ये देखिए ये मुंजी लगी हुई है, जिसे चावल भी कह सकते हैं आप, इसके खेत हैं चावलों के। तो बारिश की वजह से ये ख़राब हो गई सारी फसल, यानी कि दाने आएंगे सही पर बहुत कम। और ये देखिए कितना पानी ख़राब है यहाँ पर, हम आस्ते आस्ते जा रहे हैं बाहर को। फ्रेंड्स, अभी जो सीज़न है इस टाइम गंदुम का है, तो गंदुम लोगों ने बीजनी थी, कास्ट करनी थी, तो अब तो बारिश हो गई है, अब देखें कब तक होती है। अब क्या पता 15 दिन लगते हैं 20 दिन लगते हैं, जितनी धूप लगेगी उतना अच्छा है। अभी तो जिनने बीज लिए उनके लिए तो फ़ायदा है, जिन्हें नहीं बीजी उनकी हो सकता है कि अब आगे ना फसल ना हो सके, क्योंकि पहलियों में बहुत ज़्यादा ना खेतों में पानी खड़ा हो गया। ये देखिए और भी आपको दिखाता हूँ आगे नज़ारे। ये देखिए ये हमारे इलाके में ना एक नहर है, तो बारिश इतनी हुई है कि यहाँ पर पानी खड़ा हो गया है। अब यही पानी आस्ते आस्ते चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, दूसरी साइड में जा रहा है। ये देखिए दिख रहा है आपको, इस पानी की सिर्फ काफ़ी फसलें तबाह हो गई हैं। ये देखिए कैसी स्पीड में पानी आ रहा है। कितना VIP माहौल लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ना। आगे भी चल के आपको दिखाते हैं जी। ये देख रहे हैं आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है, तो चलते हैं अब आगे, आगे चल के आपको दिखाते हैं। इधर बाहर को मैं निकला था, काफ़ी टाइम से मैं घर में था सुबह, तो मैंने सोचा अब निकलते हैं बाहर, बारिश भी इंजॉय करते हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और चल के आपको दिखाते भी हैं। इतना पानी है कि यहाँ पर चावल यानी के दोबारा से लग सकती, इतना पानी है। अब ऐसी पहली में गंदम तो नहीं बीज सकते। ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, वो आगे करें चले, हम आगे भी चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये कुत्ता जो है ना, ये पीछे से मेरे साथ साथ आ रहा है। ये देखिए आगे चलते हैं, आगे आपको वो दिखाते हैं वहाँ पर
चावल की फसल है, तो वो आपको दिखाते हैं उधर कितना पानी खराबर। अब तो काटने वाली है पर पानी की वजह से काट नहीं सकते, तो ख़राब हो रही है। ये देखिए ये मुंजी है, कितना पानी ख़राब है। लोगों ने यहाँ से ये तोड़ दिया कि पानी एक पहले से दूसरी में चला जाए, दूसरी से नहर में चला जाए। बहुत ज़्यादा पानी है फ्रेंड्स। मैं अपने खेतों की तरफ को जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी आदत है आजकल पबजी खेलने की, बहुत शौक हो गया मुझे पबजी का। पबजी आपको तो पता होगा गेम एक, तो इधर देखिए बहुत ज़्यादा कीचड़ है, तो कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, आराम आराम से जा रहा हूँ। अच्छा, तो वो गेम है दोस्तों के साथ में बैठ के, सुबह का मैं वही खेल रहा था, तकरीबन 11 बजे तक मैंने वो खेली, कोई 2-3 घंटे। तो अभी दोस्त घर चले गए, तो मैं घर से फ्रेश हो के आया हूँ बाहर। मैंने कहा चलें चलते हैं बाहर, चक्कर लगा के आते हैं, खेतों में भी चलते हैं, बारिश के नज़ारे भी करते हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, पता नहीं वीडियो में आपको दिख रही है या नहीं दिख रही, बल हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अभी मैं पहलियों की तरफ को जा रहा हूँ, खेतों की तरफ को, तो चलते हैं फिर। टाइम तो हो रहा था 1 बजे का हो रहा था जब मैं घर से निकला था, अभी ये आई थिंक के कोई 1:30-1 का हो रहा होगा टाइम। नमाज का भी टाइम ही थोड़ी देर तक चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं खेतों से चक्कर लगा के। वो सामने जो घर है वो हमारा है, बारिश की वजह से काफ़ी ठंड भी हो गई है, सर्दी हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखिए आप तो दिख रहा होगा, मैंने कपड़ों के ऊपर जैकेट भी पहना हुआ, जैकेट के ऊपर चादर ली हुई है। गाँव में रहते हैं आपको पता है चादर तो ज़रूरी होती है सर्दी से बचने के लिए, तो मैंने चादर भी ली हुई है। तो चलें फिर, अभी चलते हैं वहाँ पर आगे अपने खेतों की तरफ, बारिश आई है तो देखते हैं अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितना पानी खराब है। वैसे तो हमने वहाँ पर पाइप डाला हुआ है, तो उम्मीद है निकल गया होना पानी, बहरहाल फिर भी वहाँ पर चल के चक्कर लगाते हैं, आपको भी दिखाते हैं वहाँ के व्यू। जी फ्रेंड्स, मैं पहलियों की तरफ अपने खेतों की तरफ पहुँच गया हूँ, तो चल के देखते हैं। और अभी अचानक से ना हल्की सी धूप लग गई है, मौसम साफ़ हो रहा है, तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि धूप की ज़रूरत ही धूप लग गई है। अभी धूप की बहुत ज़रूरत है, जितनी धूप लगेगी पहलियाँ खुश्क होंगी, तो जैसे ही खुश्क होंगी तो फिर गंदम की काश होगी, गंदम लगाई जाएगी। तो ये जिनकी चावल रहते हैं, चावल यानी कि ये संभाले जाएंगे। तो ये देखिए ये जो पीछे खेत हैं हमारे हैं, पानी खराब हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने खेतों में आ गए हैं, तो पानी बहुत कम रह गया अभी। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन मैं आया था यहाँ पर, काफ़ी पानी था, तो मैंने ना यहाँ से पानी का रास्ता बनाया, वो सामने पाइप डाला हुआ है, वहाँ से सीधा नहर में गिर गया था पानी, तो जिसकी वजह से ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत है इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाहर के आपको मैंने नज़ारे करा लिए हैं, तो अब व्लॉग की एंडिंग करते हैं, घर चल के रेस्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।